Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITN. The angles of depression of two ships A and B as observed from the top of a lighthouse 60 meter high are 60 degree and 45 degree respectively. देखिए भाई, सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना ही आना चाहिए. सबसे पहले जो प्रोमिनेंट फिगर है हमारा, टावर हो या बिल्डिंग हो, लाइट हाउस हो, मीनार हो, वो बना लीजिए. तो भाई ये लाइट हाउस बन गया एक स्ट्रेट लाइन जैसा, और चलो लाइट हाउस में लाइट भी लगा देते हैं. लो, लाइट भी लग गई इसमें. ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, तो लाइट हाउस के टॉप से एक शिप जो है, शिप है वो ए है, दूसरा शिप बी है. एक इस साइड है और एक दूसरी साइड है. इसी को बोला जाता है अपोजिट साइड. अगर यही बात बोला जाता है यहां पे ऑन सेम साइड बोला जाता तो दोनों ही शिप को इस तरफ ले लेते या दोनों ही शिप को इस तरफ ले लेते. तो अब ये भी हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि भाई जब भी 60 डिग्री का ट्राइंगल बनाना तो 60 डिग्री कुछ इस टाइप बने और 45 डिग्री कुछ इस टाइप बने. 30 डिग्री यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन 30 डिग्री को आप ऐसा बनाइए. 60 डिग्री को खड़ा बनाइए, 30 डिग्री को लेटा बनाइए और 45 डिग्री को ऐसा बनाइए कि ये दोनों बराबर जैसे दिखाई दे. तो इससे क्या होता है कि अगर आप थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं तो ये रियलिस्टिक पिक्चर का मॉडल बनता है. चलो, तो 60 डिग्री ए है रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लोग इसको बनाते हैं 60 डिग्री. ठीक है, ये पॉइंट जो आ गया ये है 60 डिग्री. चलो, अब उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है कि दूसरा बी पॉइंट जो है वो 45 डिग्री के पे है. तो जितना ये है उतना ही ये है लगभग, है ना, तो पूरा ही खींच देते हैं. ओहो, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बोर्ड खत्म हुआ जा रहा है. चलिए, इधर कुछ आ गया ये अपना, दिस इज 45 डिग्री. ठीक, और ये सॉलिड लाइन रखिए क्योंकि ये ग्राउंड है या वाटर लेवल है. यहां पे शिप एक तैर रहा है, एक शिप ये है और दूसरा शिप ये है. ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में ये हमारा क्या है, ये लाइट हाउस है. लाइट हाउस आपको दिया हुआ है कि ये 60 मीटर हाई भी है और ये डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है. तो इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं D1 और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं D2. ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. अब सही फिगर बन रहा है, द टू शिप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड. ये शिप नहीं है, ये शिप है. ठीक है ना, ये थोड़ा शिप का तिरपाल जैसा लग रहा है. कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. ठीक है, तो एक बार जो अपने एंगल्स हैं वो प्रोमिनेंटली बना लेते हैं रेड कलर से. सो दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री. यही हमारे काम आना है. अब बस हमें बोलना है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स क्या है, यानी कि हमें D1 प्लस D2 निकालना है, AB निकालना है. ठीक है, किसको, लाइट हाउस को PQ मान लेते हैं और नाम लिख देते हैं. PQ इज द लाइट हाउस is the lighthouse, और उसके बाद A and B are the ships. Working बहुत ज्यादा है नहीं यहां पर, और D1 अब आप बोल सकते हैं in triangle APQ tan 60 degree is equal to 60 upon D1. इसका मतलब D1 is equal to tan 60 degree, sorry, 60 divided by tan 60 degree
टेन सिक्सटी डिग्री कितना होता है बच्चों, टेन सिक्सटी डिग्री होता है रूट थ्री, तो डी वन ये आ गया। और इन ट्राइंगल ए पी क्यू जैसा बी पी क्यू, बी पी क्यू क्या है ये वाला, टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू सिक्सटी डिवाइडेड बाई डी टू, डी टू इज इक्वल टू सिक्सटी डिवाइडेड बाई टेन फोर्टी फाइव डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया डी टू इज इक्वल टू सिक्सटी डिवाइडेड बाई वन। अभी हमें करना क्या था, डी वन प्लस डी टू निकालना था। तो पहले आप इतना नोट करिए, चलिए तो डी वन डी टू हमारे पास है पहले से, हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स ऑन, अच्छा होगा लिख देना, लिखे या ना लिखे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छे बच्चे बनिए आप, ऑन द ऑपोजिट साइड, यही बोल रहा हूं मैं, ऑपोजिट साइड लिखना जरूरी उतना नहीं है लेकिन लिखा करिए, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस इज डी वन प्लस डी टू। डी वन हम लोग क्या निकाल चुके थे, 60 अपॉन रूट थ्री, डी टू क्या निकाल चुके थे 60 अपॉन वन, 60 अपॉन वन में तो कुछ करना ही नहीं है, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रैशनलाइज कर लें ताकि दिक्कत ना हो, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है थ्री, 60 डिवाइडेड बाई थ्री है 20, 20 रूट थ्री प्लस 60, यहां पे आंसर नहीं छोड़ सकते, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई आपको नियरेस्ट डिजिट तक निकालना, नियरेस्ट होल नंबर इनफैक्ट लिखा है, लेकिन हम लोग अभी सही से काम करते हैं पूरा, फिर बाद में नियर अबाउट वैल्यू ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 34.64, ये सब बस सिंपल कैलकुलेशन ही है, और अब आप देखिए कि ये आ जाएगा 94.64 जो कि हो जाएगा 95 मीटर, ये नियरेस्ट लिख भी देता हूं मैं, अप टू नियरेस्ट होल नंबर, ये आ गया। तो ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है यही है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, सो दिस इज द